एक जीतेगा। बाकी सब खंदास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ईद की खुशियों में मसरूफ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ही पुरमुसर्रत दिन है, और जो लोग आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे, उन सब लोगों को मेरे और शुएब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन इन ईद की खुशियों में एक चीज़ को हम सब लोगों ने अपने जहन में रखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन जो है सैलाब का शिकार है। हज़ारों नहीं लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं, बहुत सी फैमिलीज़ अपनी फैमिली से बिछड़ गई हैं। इन ईद की खुशियों में ना सिर्फ हमने उनको शरीक करना है बल्कि उनकी हेल्प करनी है, और बिलीव मी ये हेल्प उनकी नहीं है, इनडायरेक्टली हमारी है। इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, हम सब जो हैं एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म में उसकी बेचैनी होती है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आजमाइश का जो वक्त उनके ऊपर है इसको अल्लाह ताला जल्दी ख़त्म करे और आने वाले वक्त में वो अपने घरों में हंसी खुशी जो है गुजारें। आमीन। आई थिंक शुएब ने बिल्कुल सही बात की। आज हम सब लोग तो अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़, अपने प्यारे, अपने फ्रेंड्स के साथ ईद की खुशियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन हमें इन लम्हों में उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग हम लोगों की इमदाद के मुंतज़र हैं, और हमें चाहे सुई से लेके एक बड़ी चीज तक जितना भी हो सके हमें उन लोगों की प्रॉब्लम्स को अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग बेशक हमारी इमदाद के मुंतज़र हैं। सो व्यूअर्स, एज यू ऑल नो दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे ऑफ ईद विद अ विकेड एंड थ्रिलिंग गैंग ऑफ द नेक। अच्छा सादिया, आपको पता है आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है? अच्छा, वो क्या? आज हम अपने पार्टिसिपेंट जो हैं उनके हमेशा व्यूअर्स भी और हम लोग भी उनके मट्टी से बड़े हुए चेहरे देखते रहे हैं। okay. उनके बिगड़े हालात देखते रहे हैं, लेकिन आज हम उनके स्वीट और ग्लैमरस चेहरे देखेंगे। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर थ्रिलिंग टीम ऑफ द नेक। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो मरियम, आप पहले मुझे बताओ कि आज आप कैसा फील कर रही हो, कि आज कोई टास्क नहीं है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, बल्कि एज अ गेस्ट आज आप लोग इस शो पे आए हुए ईद के, तो आप कैसा फील कर रही हो? बहुत ये थी कि टेंशन फ्री है। एक पहले टास्क परफॉर्म करना होता तो बस टेंशन होती है क्या करना होगा। अब यहाँ बैठे हैं, फुल टाइम फन हो रहा है, सब हैं साथ, और किसी के साथ ये भी नहीं है कि इसका मेरे साथ टास्क होगा तो लड़ाई होगी। अब सब ईजिली फ्रेंड्स की तरह बैठे हुए हैं, और लाइक ईद है तो जितने भी अंदर वो लड़ाइयाँ चलाइयाँ थी सब खत्म हो चुकी हैं, और सबकी दोस्ती, सबकी दोस्ती, चलो लड़ाइयाँ दफन हो गई। हाँ, ईद के लिए बस। अच्छा, ईद के लिए। ओके आयशा, आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आप सबसे पहली बात ये कि सर बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, क्योंकि गेम सबसे अच्छा कौन लग रहा है? सबसे अच्छा लाइक पहले गेम में तो ये था कि सब पहचान ही नहीं जाते कि कौन क्या है, लेकिन आज सबके मुंह धुले हुए हैं इसलिए सब अच्छे लग रहे हैं और बहुत डिफरेंट लग रहा है आज। सारी बात है, जब पहले फोन आया था तब तो मैं डर गया था कि यार ईद वाले दिन भी लगता है कुछ टेंशन उठवाने का प्रोग्राम, लेकिन आज इधर बैठ के सुकून से बैठे हैं, ईद इंजॉय कर रहे हैं सारों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप घर इतनी साफ जो है वो माहौल बना हुआ इस वक्त, और बहुत अच्छा लग रहा है। ईद का ओकेजन है और सबके जो दिल है वो साफ हो चुके हैं, कपड़े भी साफ है, मुंह भी साफ है, दिल भी साफ है। ऐसे लग रहा है जैसे वो रमजान के बाद शैतान को फ्री कर दिया जाता है ना, ये सारे शैतान जो खुल गए हैं और दे आर वेरी मच लाइक रिलैक्स और हैप्पी टुगेदर। मैं सबसे बड़ा शैतान कौन है? सब में मेरे साथ बैठा हुआ, इससे बड़ा कोई शैतान नहीं है। ओके हिफ्ज़ा, ईद तो तभी होगी थी जब पता चला था कि शुक्र है अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है कि सब ठीक है।
के तैयार हुए, थोड़ा वियर्ड भी लग रही, कभी हम लोग ऐसे तैयार होकर सबके सामने नहीं बैठे। तो अब ईद को एक नया मीनिंग, एक स्पेशल मीनिंग मिल चुका है, बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद माय फेलो मेंबर्स ऑफ NAC। आई थिंक NAC के थ्रू आपने बहुत ज़्यादा अच्छे नए फ्रेंड्स भी बनाए, आई थिंक इट विल गो ऑन योर लाइफ टाइम। और ये आइडिया कैसा रहा कि हम लोग सब इकट्ठे हैं एक साथ? बहुत बहुत अच्छा रहा। मिली एंजॉय कर रहे हो आप आज की डांस? ऑब्वियसली अच्छा तो लग रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि आज एक तो के फाइनल की मुझे बहुत टेंशन है यार। आज की टेंशन ना लो यार, रिलैक्स हो। नहीं नहीं मुझे लगा था कि मिली जो है वो मेरे शक्ल कुछ टेंशन है। कंपेटिटर्स जो है दो, वो NAC के सबसे स्ट्रांग जो थे, एक एहसन और दूसरा ये आसिफ, वही जीते मैं टेंशन। इतनी सारी मैं जीतने भी नहीं दूंगा। आज के दिन टेंशन ना लो, रिलैक्स हो। नहीं टेंशन तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरप्राइज है, अभी ट्विस्ट है, कुछ शौक है, अभी साथ ही कोई टास्क दे देंगे, चलो दौड़ो कपड़े साड़ो गंदे करो कपड़े। डर है? डर तो है क्या? निम्रा आप बताओ, आप पिछले एपिसोड्स में वोट आउट हुई, आपको जाना पड़ा, ऑब्वियसली बुरा लगा होगा, अब दोबारा से आप इन सब लोगों के साथ अच्छी ईद के दिन कैसा फील कर रहे हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैड टू लीव द शो लाइक आफ्टर फोर एपिसोड्स, और मतलब वोट आउट हो गया था, लेकिन नाउ इट फील्स वेरी नाइस be back like with the whole team। और ये अच्छी मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो ईद वगैरह अपने स्पेशल फैमिली रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और राइट नाउ वी आर हियर टुगेदर शोज दैट वी आर आल्सो लाइक अ फैमिली, सो दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी। आसिफ आप क्या कहोगे? पहली बात तो यही है कि आज जैसे फर्स्ट टाइम ऐसी कोई NAC की गैदरिंग हुई है जिसमें कोई टास्क नहीं करना पड़ा। अभी कुछ नहीं कह सकते। वही मैं बहुत बोलने लगा था कि डर लेकिन फिर भी है कि आपको कुछ पता नहीं, आप किसी भी टाइम बोलते हैं उठो और ये टास्क है, आपने ये परफॉर्म क्या कहते हैं डर के आगे। जी फर्स्ट टाइम आज देखा किसी की कोई एक दूसरे की तरफ ग्रज नहीं है इस टाइम फेस पे एक दूसरे के खिलाफ। ईद के दिन शायद सारे ऐसी बातें भूल के बैठे हुए हैं, अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही चले। ऑडियंस को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग किसी भी के बारे में कोई भी दिल में बात है तो ये ईद एक ऐसा मौका है कि इंसान जो उस चीज़ को भूल के जो ना पहल करनी चाहिए, वो कहते हैं झुके हुए को फल लगता है, तो जो पहल करेगा वो अल्लाह के नज़दीक जो ना बढ़ाए। तो ये एक ईद ऐसा ओकेजन है कि जितने मर्जी ग्रजीज हों, जितनी मर्जी दुश्मनियाँ हों, इस ईद पर आके सब कुछ जो है भूल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से NAC का बेस्ट एपिसोड है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, पहली दफा देख रहे हो सारे इतने आराम से बैठे हुए। साथ आप भी कुछ शेयर कर लो। दो ईदें हुई हैं आज, एक टास्क की ईद है, टास्क नहीं है, और ऊपर से वैसे भी ईद है, मज़ा आ रहा है, सारे आपस में बैठे हुए हैं, कोई पर्सनल क्लैश नहीं है किसी का आपस में, ओके व्यूअर्स, हमारे NAC मेंबर्स के साथ तो गपशप चलती रहेगी, पर आज ईद के इस स्पेशल मौके पर हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं जो आज हमारे और आपके साथ ईद के इस खास दिन पर ईद को सेलिब्रेट करने आए हैं। हमारे आज के पहले गेस्ट, उनके बारे में मैं ये बताती चलूँ कि ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, he is a fabulous actor, a brilliant dancer, a performer, and there is a long list that goes on. हमें बहुत खुशी है कि वो आज हमारे साथ यहाँ ईद की खुशियों में शामिल होने आए हैं। Everybody, please put your hands together for the versatile Raza Shah. अस्सलामुअलैकुम रज़ा। अस्सलामुअलैकुम रज़ा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर आज हमारे साथ जो है ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुक्रिया तो आपको करना चाहिए क्योंकि आपने इतना समझा और मुझे यहाँ पर बुलाया, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बल्कि आपको नहीं हमारे व्यूवर्स को भी ईद मुबारक। आपने ये शो फॉलो किया देखा है? मेरा ख्याल है कि अपने शो से ज़्यादा मुझे कुछ ऐसी टाइमिंग्स हैं कि ये शो जब भी मैं टीवी लगाता हूँ यूँ ही लगा होता है, तो मैं सोचता था कि हमें ही शायद उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे देखने का भी मज़ा आता है कि यार चलो एक तो बंदा कर रहा होता है, जो दूसरा देख रहा होता है। कि अभी रिसेंटली मैं इनको देख रहा था कि एक कोई टास्क था जिसके मुंह में इन्होंने कुछ चारा पकड़ना था और फिर पाँव से उठा के डालना था, लास्ट एपिसोड में अचानक ही लगाया था कुछ वो मड में वॉलीबॉल वगैरह कुछ इस किस्म का कुछ सीन चल रहा था, किधर गए वो? उसने जो उसके मुंह के ऊपर लगाया था मैं तो हैरान हो गया था कि यार ये आधा तो शायद उसके मुंह के अंदर चले गया होगा, वो कौन था? क्योंकि शक्ल तो मुझे किसी की नजर नहीं आ रही थी, सारा मट ही मट था उनके मुंह के ऊपर, लेकिन बेचारे दांतों के अंदर और मुंह के अंदर,
मैं सोच रहा था कि यार हिम्मत है तुम लोगों की यार। और यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताती चलूँ कि हमारे नैक के जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हर तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हर तरह के अच्छे बुरे मुश्किल टास्क जो है बहुत दिलेरी से जो है परफॉर्म किया है। तो आई थिंक सब के लिए हमें अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करना है जो इस वक्त अपने घरों से बेघर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। तो रज़ा, आप कुछ कहना चाहोगे, मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, फ्लड का जो चल रहा थी? सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि वो जैसे लोग कहते हैं ना कि ये वक्त हमेशा नहीं रहता, तो खुशियां हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं है, और गम है तो वो हमेशा के लिए नहीं है। तो वो लोग जो बहुत खुश हैं वो खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, और वो लोग जो गम में हैं ये गम हमेशा के लिए नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो है उसका एक ना एक दिन एंड होना है, तो वो जो टाइम चल रहा है उसको पूरी एनर्जी के साथ जो है फेस करें। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है, मैं कहूँगा कि वियर्ड इन अ गुड सेंस, कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल कौम है, ये जिंदा कौम है। पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आ रहा है तो हमारी पाकिस्तानी बहन भाइयों ने अपनी हिम्मत और औकात से भर के जो है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि भी आप लाहौर के किसी भी मेन रोड पे चले जाएं, आपको कोई ना कोई कैंप नजर आए, मतलब पब्लिक जो है हर बंदा इन्वॉल्व। मैं रिसेंटली इशारे पे खड़ा था तो यूनिवर्सिटी के लोग थे, यूईटी के थे शायद, या पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास टूटे पैसे नहीं थे तो मेरे पास जितने निकले मैंने निकाल के तो उसको दे दिए, कि एक वो खुशी हुई है कि यार वो लोग अपना टाइम निकाल के तो थोड़ा कर रहे हैं, तो खैर इतना तो हमारा भी बनता है। और मेरा ख्याल है कि हमारी 16 करोड़ आवाम अगर एक एक रुपया भी इकट्ठा करे तो मैक्सिमम क्या 2 करोड़ लोग हैं, और वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आप यहाँ पर जिंदा हो, कि वो अनाज पैदा करते हैं और हम खाते हैं। तो हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे आपने पहले बात की कि आप किसी के लिए अच्छा सोच लो, अच्छी मतलब दुआई कर लो, ये भी आपकी पार्टिसिपेशन है, बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल, आप में से कुछ कुछ शेयर करना चाहेगा? दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वी ऑल गेट टुगेदर एंड वी स्टार्ट डोनेटिंग इस तरह से, तो आई थिंक वी वोंट इवन नीड फॉरेन एड्स। एग्जैक्टली, मतलब हमारे लोग इतने पैट्रियोटिक है कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, जरूरी नहीं की आप ज्यादा से ज्यादा दें, आप यानी कि भरकर दें कि इसने 1 लाख दिया तो हमें उसके सामने दिखाने के लिए 2 लाख, जितना दे सकते हैं उतना दें। जैसे रजा भाई ने कहा कि हम 16 करोड़ आबादी है, तो अगर हम इवन 5 रुपीज़ या 1 रुपया भी दें तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, जितना भी कम आती है। और ये नहीं कोई आपसे मांगने आया, सड़क पर कोई मांगने आ रहा है उसे दें, बल्कि भरकर आप खुद जाकर उनको दे करें। रबिया, एक्चुअली जो हम लोग लैक कर रहे हैं वो है प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अगर हम लोग सब मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करें तो आई थिंक हम इतना इकट्ठा कर सकते हैं कि हम उनकी जो इस वक्त कंडीशन है उसको हम बेटर कर सकें। हमें किसी फॉरेन एड की, किसी डोनेशन की ज़रूरत नहीं रह जाती है। एंड आई एग्री विद रजा एज वेल के एक्चुअली उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम लोग को ये सोच कर जो है कंट्रीब्यूट करना है कि हमें अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है, ताकि हम जो है फर्दर सर्वाइव कर सकें। और कुछ शेयर करना चाहेगा आसिफ? जैसा कि निमरा और शुएब ने आगे ऐड किया है कि पाकिस्तानी कौम ने दोबारा एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि जिंदा दिलाने कौम है बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा सबूत दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, जिन्होंने बहुत भर के डोनेट किया है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा की है। और मैं अब डायरेक्ट नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि डोनेशन किन को दे रहे हैं वो लोग। आगे उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ इस टाइम में अपने इधर उधर के काम भूल के सही जगह पर रिहेबिलिटेशन पर लगाएँ उनके, और उन लोगों को अपने घरों में वापस भेजें और इस मुल्क के बारे में सोचें। ये जितनी भी हमारे ऊपर आजमाइशें आ रही हैं, इसका ये फ़ायदा है कि हमारी कौम जो है वो स्पेशली हमारी यूथ जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही है, और आई थिंक दे गोना कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द फ्यूचर एज वेल। ओके व्यूअर्स, तो हमारे आज के अगले गेस्ट जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं। वो ना ही सिर्फ एक ब्रिलियंट सिंगर है, बल्कि उनका तो अंदाज कुछ बिल्कुल ही हटके है। उनकी आवाज़, उनके लटके, उनके झटकों की तो बात ही कुछ और है। उनकी खासियत यह है कि दबे दबी आवाज़ में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और डिफरेंट स्टाइल रखते हैं, लेकिन वो एक एनर्जेटिक पर्सन है।
और आज के जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको बुलाने के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो एनर्जी हम रजा से ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे में भी उतनी एनर्जी नहीं है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत लाउड है, सही प्योर देसी पर्सनैलिटी है, तो हमारे देसी व्यूअर से देसी एनर्जी पास करते हैं। और प्लीज़ सारे ये एनर्जी फील कीजिएगा और अपने अंदर जमा कीजिएगा, फिर हम उनको बुलाएंगे। प्लीज And here we go. Okay, everybody, put your hands together for the dynamic Jassi Lal Puriya. Jassi Paji Chakre Patte. जस्सी, अ वेरी वार्म वेलकम हमारे शो में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जस्सी, कैसी गुजरती है आपकी ईद? मेरे ख्याल में सब तो बढ़िया ईद मेरी होती है, उसकी वजह कि सारे लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल, ये सब तो बहुत है कि मेरे घर ही होते हैं, जिन्ना मैं ईद में सेलिब्रेट बढ़िया ढंग ना करता हूं, मेरे ख्याल में ना कोई मुश्किल होती है। आई थिंक उसकी एक वजह ये भी है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी फ्रेंडली है, आपके बारे में मशहूर है कि आप जहाँ भी जाते हैं सबको अपना बना लेते हैं। अपना देश, अपने लोग, कुड़ियाँ मुंडे बैठे ने भी सारे अपने ने, ते वधिया लग गए ने सारे बैठे। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हाँ कि मेरे वालों इन्होंने ईद दियाँ लख लख बधाइयाँ। चाहता हाँ कि मेरा जरा अपना फायर रैकेट तो एल्बम रिलीज हो रहा है नचे सारा लंडन, उसकी जी वीडियो मैं की जट नाल कर ला कॉम्प्रोमाइज, वो अपना लिबरा दे विच मॉडल है। अच्छा जैसी, जो ऑल ओवर पाकिस्तान में सैलाब का जो चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जिदा सारी दुनिया को पता कि पिछले जो सैलाब आया बीजी फाउंडेशन के नाल, असी जिन्हें भी पाकिस्तान ने पर मैं तो नहीं अपना कुछ सेलिब्रिटी कहाँगा, हमारे लिए तो हैं मेहरबानी कि तैयार करते हैं। मैं अज भी अपना रिकॉर्डिंग्स तो ही आया वा, मैं बीजी आपा निशो बेगम बहार बेगम रैम्बो अदील वर्की ही सारे इसे ही प्लेटफॉर्म से मतलब काम करते पे। पूरी दुनिया के उत्ते एक सरदार कभी भी मैं दावे ना कहना कि मांगता नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की खातर सारे जगह जगह गड्डियां रोक रोक के पार्लियामेंट कर रहे हैं कि यार 5 रुपये पारो थोड़ी मेहरबानी कि आप मुल्क डुबन डे बचा, और लोग इन्ना को प्यार करते कि दूसरे आर्टिस्टा के गले के 100 पैना तो मेरे गले के खुशी के नाल ही 5000 पैना। जबरदस्त, आपकी नीयत साफ होगी। और जिन्ना को सुकून राहत मिलती अपने मुल्क की सेवा करके और किसी काम में नहीं। तो आज का शो भी हमने इसलिए प्लान किया था कि थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए उनको और आपको भी, इसलिए हमने दहमत दी। बहुत जरूरी, अच्छी बात होती है कि अगर आपकी वजह से किसी को 5 मिनट के लिए एक गम भूलकर थोड़ी सी खुशी मनाने का मौका मिले। स्पेशली मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट है इस चीज़ का। बड़े तो इस चीज़ को मतलब फील कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को फील नहीं कर सकते, तो उनके जो माइंड ऑफ फ्रेम है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। मेरे ख्याल से अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि अब हम कोई ना कोई सलूशन इसका निकालेंगे तो आगे जाएंगे, और सलूशन जो निकलेगा वो सरदार जी के मेरे ख्याल है गानों से भी निकल सकता है। सरदार जी हों और वहाँ पे गाने ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे पहले मैं आपको आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे ये जो बच्चे बैठे हैं इनके अंदर भी बड़ा टैलेंट है, क्यों ना इनके हिडन टैलेंट को भी देख लिया जाए। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारे पार्टिसिपेंट में एक पार्टिसिपेंट है एसन, ही इज़ माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड। इनका एक म्यूजिकल बैंड है और ही इज़ द लीड वोकलिस्ट ऑफ द बैंड शोर के नाम से। तो आज एसन जो है ईद के इस मौके पर हमें जो है गा के सुनाएंगे और परफॉर्म करके। जैसी इजाज़त देंगे तो जैसी इजाज़त है we
Essen performed really well. A big round of applause for Essen. Essen ने तो perform कर लिया, लेकिन अब हमें भी ईदी चाहिए और I think इस मौके के ऊपर जो है हमारे साथ इतने talented लोग बैठे हैं, तो we really need to see this performance. मेरे ख्याल से जैसे ईद का मौका है और बच्चे ईदी मांग रहे हैं, तो क्या ख्याल है? लो भी आपा सारे चिल करना वा, तुसी मेरे नाल गाना वा। ब्लिंक लाइन है लंघ नहीं है जद भी तू बाण ठाण के मुंडिया के दिलों उत्ते डंग टंग के पैर न सांभे जाते हुसंदा जोर वेख के नचे सारा लंडन तेरी टोर वे। अच्छा जसी के लिए है कि रजा को भी कुछ रदा की परफॉर्मेंस होगी। मेरा टाइटल सॉन्ग है नचे सारा लंडन तेरी टोर वे।